नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अंबेडकर नगर के अकबरपुर नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा ने जीत हासिल की, जिसके बाद लोगों ने उनका फूल माला पहनाकर धूमधाम से स्वागत किया। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा चंद्र प्रकाश वर्मा ने। साथ निर्दलीय प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा है, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है अकबरपुर नगर पालिका से। हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आखिर जनता जिस कदर से भरोसा कर रही, लगातार वोटों में जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लोगों को आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर यहाँ की जो जनता है उनको पूरा श्रेय देना चाहता है। और जो हमारे साथ लगे हुए सभी कार्यकर्ता, उन सबको मैं श्रेय देना चाहता हूँ। अगर जीत का जैसे कि अगर परचम आपका लहराया, अध्यक्ष पद की दावेदारी जैसे कि अगर औपचारिक घोषणा हो गई, तो जो दावे वादे आपके द्वारा किए गए हैं जनता जनार्दन से, अपने मंसूबों पर खरा उतरेंगे या नहीं? देखिए, हमने पूरे चुनाव में कोई वादा नहीं किया। हम काम करने में विश्वास करते हैं। जैसे हमको 10 साल पहले जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था, तो निश्चित तौर पर हमने जो कार्य हमको सौंपा था उसको हमने करने का काम किया। आज उसी का नतीजा है कि जनता सम्मान के रूप में आज हमें इस जीत में आगे बढ़ा रही है। अभी गिनती चल रही है, 6 बक्सा अभी बाकी है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर जीत हमें जीत का श्रेय अगर मिल जाए तो किसको देना चाहिए? जीत का श्रेय निश्चित तौर पर तो सम्मानित जनता को देना चाहता हूँ। और हमारे साथ जो लगे हुए सभी कार्यकर्ता, जो जान लगाकर दिनों रात मेहनत करके जनता के बीच में गए, पूरा श्रेय मैं उन सबको देना चाहता हूँ। तो ये से हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी जो बता रहे हैं कि अभी जो है वोट का काउंटिंग जारी है, लेकिन अभी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुआ। आज कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश पांडे के साथ राहुल पांडे, प्राइम टीवी अम्बेडकर नगर। बाराबंकी में नगर निकाय चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि सपा प्रत्याशी की जीत से कार्यकर्ता बौखला गए और रामनगर रोड पर कचहरी के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने नारे लगाने वाले युवकों को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके जांच कराए जाने पर पता चला कि ये फतेहपुर कस्बे से संबंधित है, जिसके जांच में कुछ वीडियो और प्राप्त हुए हैं जो मूल वीडियो हैं, और उससे पता चला कि जो पूर्व का वीडियो है वो टेम्पर्ड है, जिसके बारे में जांच कराई जा रही है। जो टेम्पर्ड वीडियो बनाने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जहां तक रही बात धारा 144 के उल्लंघन की, उस परिप्रेक्ष्य में जो इन लोगों ने जुलूस के रूप में नारेबाजी करी है, इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत करके की जा रही है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए, जिनसे पूछताछ भी सुनिश्चित की जा रही है। गाजियाबाद में करीब 2 दर्जन सिलेंडर ब्लास्ट किए गए। बता दें कि एक गाड़ी में करीब 60 से 70 गैस सिलेंडर थे, जिसमें एक में आग लग गई और ब्लास्ट हो गया। जहां ब्लास्ट हुआ वहां गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार होता था। वहीं दमकल विभाग ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। एक ब्लास्ट से 2 मकानों में भी काफी नुकसान पहुंचा है। करीब 2 दर्जन सिलेंडर धमाके के साथ फटे हैं। अवैध गैस सिलेंडर के गोदाम में ये आग लगी है। ये भीषण हादसा हुआ है। गाजियाबाद से ये खबर सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भयंकर धमाका होता हुआ नजर आ रहा है। मैं धमाके की आवाज लगी, पता लगा कि वहाँ आग लगी है, एक घर में आग लग रही थी। जब हम यहाँ भागकर आए तो देखा कि यहाँ आग क्यों की लपट उठ रही थी, बहुत ऊंची लपट, जिससे कि हम भी डर कर पीछे भाग गए। फिर जब प्रशासन को फोन किया या प्रशासन आया, प्रशासन के साथ लग के हमने यहाँ ये आग बुझाई और करीबन 2 घंटे यहाँ पर आग लगती रही। प्रशासन ये अभी तक ये सिलेंडरों में लग रही है। यहाँ काफ़ी सारे सिलेंडर निकले हैं इस घर में से। अब ये पता नहीं घर किसका, हमें ये भी नहीं पता, हम पीछे रहते हैं। सिलेंडर यहाँ कैसे आए ये मालूम नहीं, एक छोटे हाथी यहाँ खड़ा हुआ है, बता रहे हैं यहाँ के लोग के छोटे हाथी में सिलेंडर आया। हम घर में न्यूज़ देख रहे हैं, तभी 10-12 धमाकों की आवाज़ आई। हम घर से बाहर निकले तो अफरा तफरी का माहौल था। बाहर निकल के हमने लेडीज़ों से मालूम करा क्या हुआ है, तो पता लगी कि यहाँ सिलेंडर की गाड़ियों में आग लग गई है। जब तक हम यहाँ पहुँचे 10-12 धमाकों की आवाज़ हम सुन चुके थे, और जब हमने यहाँ करके देखा, सबसे पहले हमने आसपास के मकानों को खाली कराने का काम कराया,
उसके बाद हमने केला भट्टा चौकी में फ़ोन करा तो वहाँ से चौकी इंचार्ज तुरंत आए और उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक एक मकान में घुस के देखा कि किसी की जान का कोई मामला तो नहीं है। एक एक घर में घुस के उन्होंने देखा और हमारे साथ पूरी ईमानदारी से बिना अपनी जान की परवाह करे बगैर जो काम को अपने अंजाम दिया। लगभग तेज आग थी जब तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन कराया, फायर ब्रिगेड पर हमारे फायर स्टेशन कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रिफिलिंग करने वाला गोडाउन है उसमें एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा है। तत्काल हमारे फायर स्टेशन कोतवाली से दो बड़ी गाड़ियां और एक छोटी गाड़ी रवाना की गई। एक छोटी गाड़ी हमारी वैशाली से रवाना की गई। घटनास्थल पर आके देखा तो गलियां बहुत तंग थीं, अंदर फायर की गाड़ी आने की कोई सुविधा नहीं थी। छोटी गाड़ी किसी तरह अंदर घुसी और हम लोगों ने फायर फाइटिंग चालू की। इसमें बड़ी गाड़ी से हम लोगों ने होज फैला के छोटी गाड़ी को सप्लाई देते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। आग लगभग 2 से 3 मकानों में फैल गई थी और लगभग 60 सिलेंडर थे जिसमें से 20 से 25 सिलेंडर अभी देखने में आ रहे हैं कि ब्लास्ट हुए हैं। सर, कब से ये रिफिलिंग यहाँ पर की जा रही थी? लखनऊ के नजीबाबाद में बकायेदारों की बिजली कनेक्शन काटने बिजली विभाग की टीम पहुंची, जहां बकाया होने पर कनेक्शन काटने से नाराज उपभोक्ता ने अवर अभियंता को गोली मार दी। गोली लगने से घायल अवर अभियंता को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस घटना के बाद राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने इस प्रकरण में अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर में मतगणना स्थल पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर ने सूचना विभाग के अधिकारी का आईडी कार्ड छीन लिया। बता दें कि सूचना विभाग के अधिकारी दिलीप कुमार गुप्ता हैं, जिनका मतगणना स्थल पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर ने आईडी कार्ड छीन लिया। पहले ये बहुत बड़ी लायबिलिटी का पार्ट होता है। प्रमोद गौतम ने ले लिया था क्या? हाँ, ये तो गया हो यहाँ पे। पहले ये बहुत बड़ी लायबिलिटी का पार्ट होता है। प्रमोद गौतम ने ले लिया था क्या? लखनऊ के मड़ियाओ थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं ट्रांसफार्मर में आग लगने के दौरान बिजली विभाग ने बिजली काट दी थी और मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।